निर्णय दिया था अनुमान के अनंतर शब्द प्रमाण क्यों शुरू किया गया, क्योंकि अधिकतर देखा गया कि शुरू शुरू में शब्द का अर्थ के साथ जो संबंध है, शक्ति है, उसको ग्रहण अधिकतर अनुमान से ही किया जाता है। अतएव अनुमान के अंदर पहले शब्द का लक्षण कर रहे हैं, आप्त श्रुतिर आप्त वचनंतु, आप्त वचनम इति लक्षण निर्देशा। आप्त वचनम माने आगम प्रमाणम, ये लक्ष्य का निर्देश है, और आप्त श्रुति ही ये जो हिस्सा है वो लक्षण परिशिष्ट लक्षण बचा है वो लक्षण। आप्त वचन माने शब्द प्रमाण, आप्त वचन का अर्थ है शब्द प्रमाण, और शब्द प्रमाण लक्षण क्या है, आप्त श्रुति ही ये लक्षण। आप्त श्रुति कैसा बना, आप्ता माने प्राप्ता, आप्ता का अर्थ है प्राप्ता, वहां क्या करते हैं हम आप्त पुरुष लेते हैं, है ना, अन्यत्र यानी आप्त का अर्थ आप्त पुरुष नहीं, आप्तस्तु यथार्थ वक्ता का है ना, तब संग्रह है वो नहीं लेना, ये आप्त का मतलब प्राप्त है अर्थात युक्त है, जो ऐसी कौन सी है जो प्राप्त है और युक्त है, कदे आप्ता चसौ श्रुतिश्चैति आप्त श्रुति ही वेद, वेद ही हमें नित्य प्राप्त, किसने पैदा नहीं किया ना उसको, किसने लिखा नहीं, नित्य प्राप्त है और बिल्कुल युक्त, उससे कोई भी बात गलत नहीं है। श्रुति ही वाक्य जनितम वाक्यार्थ ज्ञानम, वाक्य जनितम वाक्यार्थ ज्ञानम श्रुति ही, श्रुति का अर्थ है वाक्य से उत्पन्न जो वाक्य का तात्पर्य ज्ञान, वाक्य से जन्य और वाक्य का जो तात्पर्य ज्ञान है उसी को हम श्रुति शब्द से लेंगे। अतः केवल वेद नहीं हुआ ना, फिर अन्य भी होगा जो कि वाक्य जन्य हो और वाक्य का तात्पर्य ज्ञान हो, ऐसे सारी चीज का नाम श्रुति है, वेद आदि सब चीज आ गया इसमें, और प्राप्त होनी चाहिए युक्ति, युक्ति होना चाहिए तब वो आप्त श्रुति शब्द प्रमाण माना जाएगा। तच्च स्वतः प्रमाण, और इसके प्रामाण्यता किसी अन्य से सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, वह स्वतः प्रमाण है। तच्च स्वतः प्रमाणम, क्यों अपौरुषेय वेद वाक्य जन्य तत्वेना, अपौरुषेय वेद वाक्य जन्य होने से वह सकल दोष आशंका विनिर्मुक्तत्वेना युक्तम भवति, क्योंकि अपौरुषेय वेद वाक्य जनित जो वाक्यार्थ ज्ञान होता है वह सकल दोष और सकल प्रकार की आशंकाओं से मुक्त होने से युक्त होता है। केवल वेद ही नहीं, एवं वेद मूल स्मृति इतिहास पुराण वाक्य जनित विज्ञानम युक्तम भवति, वेद मूल वाला जितने भी स्मृति है, वेद मूल वाले इतिहास, वेद मूल वाले पुराण, इनसे इनके वाक्यों से विजन्य जो ज्ञान है वह भी आगम प्रमाण है, युक्त है। आदि विदुषश्च कपिलस्य, इतना ही नहीं आप कह सकते हो कि सांख्य दर्शन वेद मूलक नहीं है, कोई कह सकता है, तब कहते नहीं नहीं जो आदि विद्वान वे कपिल महर्षि सांख्य दर्शन का प्रणेता, कल्पादो कल्पांतराधीत श्रुति स्मरण संभव, वो कल्प के आदि काल में जन्म लिए थे कपिल महर्षि, और उनको कल्पांतर में जो उन्हें वेदों को पढ़ा था उसकी स्मृति थी, उसी के आधार पर उन्होंने दर्शन का स्थापना किया है, अतः वेद आधारित वेद मूलक ही है ये भी। सुप्त प्रबुद्धस्य इव पूर्वेद्युर अवगतानाम अर्थानाम अपरेद्युः, जैसे सो करके जगा हुआ आदमी पूर्व दिन में जो देखा था जो पढ़ा था वगैरह अगला दिन जगने के बाद याद होता कि नहीं, उसे याद रहता है, जैसे वैसे एक कल्प से उठ करके दूसरे कल्प में जन्म लिया है तो भी कपिल को पूर्व कल्प में पढ़ा हुआ सारा शास्त्र याद रहता है। तथा इसे क्या प्रमाण है, कहते आवट्य और जगीशवि संवाद प्रमाण, महाभारत में एक संवाद आता है, आवट्य एक महर्षि हुए और जगीशवि दूसरे महर्षि हैं, इन दोनों ऋषियों के बीच संवाद में भगवान जगीशवि महर्षि कहते हैं
भाई मैं तो 10 महाकल्प, कल्प नहीं, 10 महाकल्पों में जन्म लिया था, और सब कल्पों की बातें मेरे को आज भी याद है। और यहां तो लोगों याद नहीं होता है, और उनको 10 महाकल्पों का ज्ञान पूरा याद था। भगवान भी कहते ना, मेरा भी तुम्हारा भी बहुत जन्म हो गए, मेरे भी हुए, तुम कुछ नहीं याद, तेरे बोले मेरे को सब याद है। जन्मानी बहुनी व्यतीतान है, बहुनी जन्मानी व्यतीतान है तब अर्जुन, भगवान ने कहा। तो यहां पर वही कह रहे हैं, जयशव कह रहे, दशम महाकल्पवर्ती जन्म स्मरणम आत्मनवाच, वो अपने बारे में कहते हैं, मुझे 10 महाकल्प में जो कुछ भी शास्त्र वगैरह पढ़ा हूं सारा अभी तक मेरे को याद है। ऐसे जयशव महर्षि थे। दशसु महाकल्पेशु विपरिवर्तमान अनभिभूत बुद्धि सत्वेन मया इत्यादि ना ग्रंथ संदर्भेन, वहां पर उन्होंने साफ कहा है। देखो एक ग्रंथ संदर्भ वहां का हिस्सा है, पंक्ति है, व्यास भाष्य तीसरे पाद 18वें सूत्र योग सूत्र में है। योग सूत्र का तीसरे पाद के 18वें सूत्र में लिखा है महाभाष्य व्यास भाष्यकार ने, दशसु महाकल्पेशो विपरिवर्तमान अनभिभूत बुद्धि सत्वेन मया, 10 महाकल्प बदलते गए लेकिन मेरी बुद्धि की जो स्मृति शक्ति है कभी दबी नहीं, सदा जागरूक थी। ऐसे मुझ द्वारा कहे जा रहे ज्ञान कोई साधारण नहीं है, ऐसे जगदीश्वर महर्षि बोल रहे थे। आप्त ग्रहण है ना, और आप्त श्रुति क्यों कहा, क्या श्रुति कह देते, कहते आप्त शब्द ग्रहण करने से अयुक्ता जो युक्त युक्त नहीं है ऐसे सारे दर्शनों का त्याग कर दिया। कौन है वे, शाक्य भिक्षु निर्ग्रंथक संसार मोचकादि नाम आगमाभासा परिहृता भवंती, ये सब शब्द प्रमाण नहीं है। कौन, शाक्य भिक्षु मने बौद्ध, निर्ग्रंथक मने जैन, संसार मोचक मने चारवाक, ये लोगों का जो उपदेश है, बुद्ध भगवान का उपदेश, जैन धर्म के उपदेश, चारवाकों का जो उपदेश है वो कोई प्रामाणिक उपदेश नहीं, आगमाभास है, अप्रामाणिक, शब्द प्रमाण नहीं, प्रमाणाभास है। क्यों, कारण क्या है, दो है, अयुक्तत्व चैतेषाम विगानात्, क्योंकि उनकी निंदा मनुस्मृति अधिकारों ने किया है, कहा कि इनका उपदेश ठीक नहीं करके उसकी निंदा की गई है वेद मूलक स्मृतियों में, मनु आदि के द्वारा निंदित है। दूसरा, विच्छिन्न मूलत्वात्, उनके उपदेशों का मूल वेद में नहीं मिलता, वेद मूलक उपदेश नहीं है। तीसरा, प्रमाण विरुद्धार्थ विधाना, प्रमाणों के विरुद्ध अर्थों का कथन किया होगा। जो प्रमाण लौकिक प्रमाण भी है, आम आदमी जो जानता है उसके भी उल्टा पुल्टा उन्होंने बोल दिया। कैश्चित्य लेच्छादि पुरुषापसद ही पशुप्राय परिग्रहाद बुद्धव्यम, लेकिन उसको भी मानने वाले दुनिया में है ये मत सोचो कोई नहीं है। कैश्चिदेव म्लेच्छादि, म्लेच्छादियों के द्वारा पुरुषापसही अपसदही निकृष्ट पुरुषों के द्वारा, जो कि पशु जैसे जीने वाले लोग हैं पशुप्राय ही, वे लोग उनके ग्रंथों को उनके धर्मों को अपनाए हुए रहते, परिग्रहाद बुद्धव्यम, इसे समझना चाहिए वो अयुक्त है। मूल में जो तू शब्द आया कारिका में, तू शब्द है ना अनुमान व्यवच्छिन्नति, तू शब्द से इसको सिद्ध करना चाहते हैं, अनुमान प्रमाण से शब्द प्रमाण भिन्न है। वाक्यार्थ तो ही प्रमेय न तो तद्धर्म, क्योंकि वाक्यार्थ ही प्रमेय, आप्त वचन जो वाक्य विशेष है को अनुमान से पृथक प्रमाण मानने के लिए ही यह तू शब्द का प्रयोग किया है। क्यों, जो परस्पर पदार्थ संसर्ग रूपा जो वाक्यार्थ है को प्रमेय अनुमान द्वारा ज्ञेय कहना होगा ना। आप भी यदि आप अनुमान के अंतर्गत लेना चाहोगे तो ये कर्म वाक्यार्थ ज्ञान को साध्य बनाना पड़ेगा,
यदि वन्नी को अनुमान से जानने का मतलब क्या, वन्नी को साध्य बनाना पड़ता है, पर्वतो वन्यमान धूमात। उसी प्रकार से वाक्यार्थ ज्ञान को हमें साध्य बनानी पड़ी, तब जा करके वो अनुमान कोटि में आएगा। तब हेतु क्या होगा उसमें, तब कहते वाक्यम ये तत्र लिंगम भवेत, तब वाक्य ही वहां पर लिंग बना बनाना पड़ेगा, वाक्यात ऐसे देनी पड़ेगी। तो ये अनुमान लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ये ना तत्र वाक्यम लिंगम भवेत, जिसके वजह से आप वाक्य प्रमाण को लिंग बनाना चाहते हो। नच वाक्यम वाक्यार्थम बोधयत संबंध ग्रहणम अपेक्षित है, कि वाक्य वाक्यार्थ को बोध कराते हुए संबंध ग्रहण भी करा दे, व्याप्ति ज्ञान भी हो, दोनों बात नहीं हो सकता। क्योंकि वाक्य अपने वाक्य के में विद्यमान पदार्थों के अर्थ को मिलाकर वाक्यार्थ बोध कराने के लिए किसी व्याप्ति की अपेक्षा नहीं रखता। नहीं, कोई भी वाक्य सुना आपने, अभी हम बोल रहे हैं तो आप इन वाक्यों को सुन रहे हैं, इन वाक्यों को सुन करके इसका अर्थ को जानने के लिए किसी व्याप्ति को लाना पड़ता है, क्योंकि व्याप्ति ज्ञान के बिना ही वाक्य श्रवण के अनंतर सीधे वाक्यार्थ ज्ञान हो रहा है। अतः वाक्यार्थ ज्ञान अनुमिति कोटि में नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, जो कभी आपने सुना ही नहीं ऐसे कविता कवि ने सुना दिया, तो क्या उस कवि की रचना का आपको अर्थबोध नहीं होगा? अर्थबोध तो होगा ना, बिल्कुल नई रचना है। पुराने रचनाओं को तो कह सकते हैं हमने वहां ऐसे सुना था इसलिए भी है, इसका भी ये अर्थ है, व्याप्ति कुछ ना कुछ बना भी लोगे। बिल्कुल नवीन विषय था, अभिनव कवि रचितस्य, नया कवि भी है, कवि भी नया आदमी, पहली बार हो आपके सामने कविता सुना रहा है। अभिनव कवि रचित, अभिनव कविता, अभिनव वाक्य, उस वाक्य का अदृष्ट पूर्वस्य, जिसके अर्थ को पहले कभी सुना ही नहीं था, ऐसे शब्दों को प्रयोग कर दिया तो भी अनुभूत चर वाक्यार्थ बोधकत्वम, फिर भी जो अनुभूत नहीं है ऐसे वाक्यार्थ भी वो कह देता है तो भी आपका अर्थबोध होता ही है। एवं प्रमाण सामान्य लक्षणेशु तद विशेष लक्षण सत्सु यानी प्रमाणांतर उपमान आदि प्रतिवादी भी अभिपेयंत है तानी उक्त लक्षणेश प्रमाणेश अंतर्भवन्ते। इस प्रकार से प्रमाणों के सामान्य लक्षण हो गया, प्रमाणों के विशेष लक्षण भी बना दिए गए तीनों प्रमाण का। अब कहते हैं कुछ अन्य भी प्रमाण उपमान आदि को अन्य दर्शन वाले लोग मानते हैं, यानी प्रमाणांतराणी कौन उपमान आदि किनके द्वारा प्रतिवादी भी नैयायिक आदि भी अभ्युपयंत स्वीक्रियंत स्वीकार किए जाते हैं, तानी उक्त लक्षणेशु एव प्रमाणेशु अंतर्भवन्ति, उनको हम उक्त लक्षण वाले इन तीन प्रमाणों में ही अंतर्भाव कर देंगे, उनको अलग प्रमाण नहीं मानेंगे। तो कैसे अंतर्भाव करोगे, समझा रहे तथा ही उपमानम तावत, सबसे पहले उपमान प्रमाण, यथा गौ तथा गवे वाक्य है ना, गो सदृशो गवय, यही तो अधिदेश वाक्य वो लोग कहते हैं गो सदृशो गवय, ऐसे कौन कहा, ये जंगली आदमी ने कह दिया शहरी बाबू को। ये जो वाक्य है ये तो हम शब्द प्रमाण में डाल देंगे, किस वाक्य से जन्य जो ज्ञान क्या होगा, शब्द ज्ञान हो गया। तज्जनिता धीर आगम एव, तज्जन्य जो धी मने ज्ञान वो आगम प्रमाण में ही हो जाता है अंतर्भाव। योपि अयम गवय शब्दो गो सदृश से वाचके प्रत्यय, लेकिन बाद में जो हुआ यह जो गवय शब्द है गो सदृश का वाचक है, ऐसा जो हम उपमिति ज्ञान कर लेते हैं ना, वो उपमिति ज्ञान भी सोपि अनुमानम एव, वो भी अनुमान से सिद्ध हो सकता है, क्योंकि ऐसा यो ही शब्द यत्र वृद्ध ही प्रयुज्यत है सो असति वृत्यंतरे तस्य वाचक यथा शो गो शब्द गोत्वस्य, ऐसे अनुमान बना लेंगे कि जो शब्द बुजुर्गों के द्वारा जिस अर्थ में प्रयोग किया गया वह शब्द अन्य अर्थ में न रहने पर, वृत्यंतर में अन्य अर्थ में नहीं है, असति वृत्यंतर है तस्य वाचक, तब तो अवश्य ही उसी वस्तु का वाचक आज भी माना जाएगा। जैसे गो शब्द का
गोत्तु के अंदर अर्थ को आपने माना, गोत्तु का वाचक है। अनादि काल से चले आए परंपरा, गो शब्द गोत्तु का वाचक है। ये अनादि बुजुर्ग कहते रहे और आज भी वह गो शब्द गोत्र से भिन्न अर्थ में लागू नहीं होता, अतः आज भी गो शब्द गोत्र का ही वाचक है। जैसे वैसे गवय शब्द भी गो सदृश का वाचक अनादिका से बुजुर्ग लोग जंगल आदि में प्रयोग करते थे, उसको आज मैंने सुना तो आज भी उस शब्द का वही अर्थ होगा, गवय शब्द का गो सदृश का वाचक होगा, ऐसे अनुमान से ग्रहण कर सकते हैं। प्रयुज्यते चैव गवय शब्द गो सदृश तो सेववाचक तद्ज्ञानम अनुमानमेव। यह वाक्य शब्द लोग कहते यह गवय शब्द, गवय शब्द गो सदृशे प्रयुज्यते, जो गवय शब्द है वो गो सदृश पिंड के लिए प्रयुक्त होता है, इति इसलिए गवय शब्द सेववाचक वो गो सदृश पिंड का ही वाचक है। इति तद्ज्ञानम ऐसा जो ज्ञान पैदा होता है वह ज्ञान अनुमानमेव अनुमिति ही होता है। अतएव अतिदेश वाक्य हो गया आगम प्रमाण के अंतर्गत, अतिदेश वाक्य आगम प्रमाण के अंतर्गत हो गया, और उपमिति ज्ञान जो आप बोल रहे थे वो अनुमिति ज्ञान के अंतर्गत हो गया। लेकिन वो जब गवय पिंड को देखा देखकर उसमें जो बोल रहे वो क्या होगा, तब कहते हैं यत्तु गवयस्य चक्षु सन्निकृष्टस्य गोसदृश ज्ञानम्। चक्षु से सन्निकृष्ट गवय पिंड में जो गोसदृश ज्ञान कर लेता है वो क्या ज्ञान है, कहता तो प्रत्यक्षमेव, उसका तो प्रत्यक्ष कोटि भी ले लूंगा। अति उपमान प्रमाण तीन भाग बट गया, अतिदेश वाक्य आगम में चला गया, उपमिति वाक्य अनुमान में चला गया, और बीच में जो ग्रहण कर रहा था पिंड में शक्ति ग्रह कर रहा था वो किसमें गया, प्रत्यक्ष प्रमाण। अतएव स्मर्यमाणायाम गवि गवे साज ज्ञान प्रत्यक्ष, जो स्मर्यमाण गौ में भी गवि के साथ जो ग्रहण किया, स्मरण आ रहा है गौ देख रहा है किसको, गवे, और कह रहा है वो अनेन सदृशी मदिया गौ, मेरी गाय घर में है वह कैसी है, इस पिंड के सदृश है। ऐसे स्मरण स्मरण कर रहा है क्या, गाय सामने नहीं है, गाय सामने में है क्या, नहीं, जो स्मर्यमाण गौ में जो गवे की सहजता का ज्ञान कर लिया वो भी प्रत्यक्ष कोटि में ही लेना चाहिए, क्योंकि सामने गवे पिंड प्रत्यक्ष है, और अगर अनेन सदृशी बोल रहा ना अनेन, इसलिए प्रत्यक्ष कोटि में चला जाता वो भी नहीं। अन्यत गवि सादृश्यम अन्यच्छ गवय, गौ में जो सादृश्यता गवय का और गवय में जो गौ की सादृश्यता है वो दो भिन्न चीज नहीं है। गौ में गवय की सादृश्यता और गवय में गौ की सादृश्यता जो है वो क्या है, भिन्न भिन्न नहीं होता। जैसे चंद्रमुखी कह दिया वो लड़की का चेहरा और चंद्रमा दोनों है या नहीं, अब उन दोनों में चंद्र की सादृश्यता मुख में देख रहे हो या मुख की सादृश्यता चंद्रमा में देखो, फर्क नहीं पड़ता दोनों की सादृश्यता दोनों में रहने वाला कुछ समान धर्मों को लेकर के होती ना। तद भिन्न सती तदगत भूयो धर्मवत्तम सादृश्यत्वम ये लक्षण, इसलिए कहते हैं वह सादृश्यता भी एक ही होता है, क्यों, भूयो अवयव सामान्य योगो ही जात्यंतरवर्ती जात्यंतर सादृश्य उच्चता है, कि एक जाति वाली वस्तुओं में विद्यमान अनेकों अवयवों की सदृशता जब दूसरे जाति वाले वस्तु में दिखाई देता है तब हम सादृश्यता को ग्रहण करते हैं, अवयवों का कहीं गुणों का है कि नहीं, कहीं क्रिया को लेकर के सादृश्यता होनी चाहिए। सामान्य योगश्च एकः सचेत गवे प्रत्यक्ष गवी अपि तथा, और सामान्य योग जो है दोनों में एक समानता हो तभी तो सादृश्यता देखोगे, ये समानता ना हो तो फिर सादृश्यता कैसे होगी। अब काली हो उसको बोल दो अरे भाई तो बर्फ जैसे एकदम मक्खन जैसी दिख रही है बोल दोगे,
एकदम काली है कोयला जैसे, और जो मक्खन जैसे बोलो साधे से तो बैठेगा, अब काली है उसको बोलो हाँ भाई ये जो है जला हुआ कोयला जैसा है, बिल्कुल काली कोयला भी नहीं है लेकिन जला हुआ कोयला जैसे कहो तो सदृशता बैठता ही। तीसरे कहते हैं कि सादृश्यता सामान्य तो को देख करके होता है, वो सामान्य का जो योग है वो दोनों में एक ही होगा। इसलिए गवय में प्रत्यक्ष हो गव्य पी तथा, तो गौ में भी वैसे ही दिखाई देना चाहिए, और गौ में प्रत्यक्ष हुआ तो गवय में वैसे आप ग्रहण करोगे सादृश्यता। इसलिए न उपमान से प्रमेयांतर अस्ति, इस उपमान के लिए कोई प्रमेयांतर विषय नहीं रह गया। यत्र प्रमाणांतर उपमान भवेत, जिसके विषय में प्रमाणांतर एक उपमान को स्वीकार करना पड़े, इति न प्रमाणांतर उपमानम, इसलिए उपमान को प्रमाणांतर नहीं माना जाएगा। तब कहते चलो अर्थापत्ति को तो प्रमाणांतर मानना चाहिए, एवं अर्थापत्र पे न प्रमाणांतरम, अर्थापत्ति को भी हम पृथक प्रमाण नहीं मानते हैं। क्यों? अर्थापत्ति का दृष्टांत क्या है? प्रसिद्ध दो दृष्टांत ही प्रसिद्ध होता है, जीवी देवदत्ता या जीवी चैत्र, जीवी चैत्र जिंदा जो चैत्र, बहिस्सत्व बाहर है। क्यों? गृह अभाव, गृह में न होने से यह अनुमान के अंतर्गत हो सकता है, लेकिन उनका क्या ना ये अर्थापत्ति, जीवित जो चैत्र है वो बाहर है। निर्णय कैसे लिया? क्योंकि घर में नहीं था, घर में नहीं है तो मतलब कहीं बाहर तो गया होगा, मार्केट गया होगा, कहीं गया होगा, गंगा जी गया होगा, कि जिंदा है ना ये मरा हुआ और घर में नहीं है तो मतलब वो कहीं भी नहीं है, वो गया होगा प्रेतात्मा बन, कहीं स्वर्ग गया, कहीं नरक गया, उधर कहीं गया। इन घर से बाहर बाजार या गंगा तट कहीं गया है ये आप नहीं कह सकते। इसलिए हम लोग क्या कहते, जीवी चैत्र, जीविता चैत्र, वह भैसत्व को अर्थापत्ति से लेते हैं, अथवा देवदत्तो दीवान भूंगते, तीनों देवदत्त, कैसा देवदत्त, मोटा देवदत्त, बड़ा तगड़ा ताजा, इनो देवता। आप बोले कोई कहे दिन में नहीं खाता, आप क्या अर्थ करोगे उसका, रात्रि भोजन खाता है, रात्रि में जरूर खाता पड़ता है, बिना कभी खाए पिए वाला कैसे मोटा तगड़ा, तो मोटा ताजा है का मतलब वो बढ़िया खाता पीता है, ऐसा देखते ये बीमारी से हो तो बात अलग चीज है, सामान्य कथा नहीं। देखिये तथा ही जीवदश चैत्र से गृह अभाव दर्शन बहिर्भाव से दृष्ट कल्पनम अर्थापत्र अभिमता वृद्धानाम। अन्य जो श्रेष्ठ आचार्यों का कहना है जीवित जो चैत्र है जब घर में वो नहीं दिखाई दिया, उसके बहिर्भाव जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है ना, बाहर देखा क्या आपने, बाहर नहीं देखा, फिर भी आप कल्पना कर लिए घर में नहीं है तो इसका मतलब जरूर वो कहीं ना कहीं बाहर में है, ऐसी जो कल्पना की जाती है उसी का नाम अर्थापत्ति है। साप्य अनुमानमेव, तो हम लोग सब क्या लेंगे, अनुमान के अंतर्गत घुसा देंगे। यदा खुल अव्यापक सन एकत्र नास्ति तदा अन्यत्र अस्ति, क्योंकि नियम बना लेंगे कोई भी अव्यापक वस्तु हो, व्यापक नहीं, कोई भी अव्यापक वस्तु हो, वही एक जगह नहीं है तो निश्चित पर वह अन्यत्र है। जो कोई भी अविनष्ट अव्यापक वस्तु, विनष्ट की बात नहीं कर रहे, अविनष्ट अव्यापक जो वस्तु होगा वह यहां नहीं है तो निश्चित रूप से वो अन्यत्र है। जैसे घड़ा, घट कैसा है, अविनष्ट और अव्यापक घड़ा है, वह यहां नहीं है का मतलब क्या, कहीं अन्यत्र बाहर है, दूसरे कमरा में होगा, रसोई में होगा, कहीं और होगा, इन है ही नहीं, ये नहीं कह सकते आप, नष्ट हो जाए तो कहोगे ना है नहीं, आपने खुद ही विशेषण दे दिया क्या, अविनष्ट। सर्वत्र है ये भी नहीं कह सकते क्योंकि अव्यापक वस्तु सर्वत्र नहीं हो सकता, आकाश व्यापक है वो सर्वत्र रहेगा, घट सर्वत्र थोड़ी रहेगा, व्यापक तो है नहीं। दो विशेषण दिया घट को क्या आपने, अविनष्ट और अव्यापक, दो विशेषण देने से निश्चय क्या हुआ, व
वह अन्यत्र है, ये सिद्ध हो गया। यदा खलु अव्यापक सन एकत्र नास्ति, एकत्र जो नहीं है तदा अन्यत्र अस्ति, तो अन्यत्र सिद्ध हो गया। इसी प्रकार जो आदमी है चैत्र, वो भी क्या है? अव्यापक है ना। और कैसा है वो? जीवित है, का मतलब अविनष्ट भी है। अच्छा क्या अर्थ होगा उसका? वो अन्यत्र सिद्ध हो जाएगा, वो अन्यत्र है ये सिद्ध होगा। यदा अव्यापक एकत्र अस्ति, और यदि अव्यापक वस्तु एकत्र है तदा अन्यत्र नास्ति कहना पड़ेगा। यदि घट यहां है तो वह घट अन्यत्र नहीं है कहना पड़ेगा। इसे हमेशा कोई भी अविनष्ट अव्यापक वस्तु हो वह एकत्र है तो अन्यत्र नहीं है, एकत्र नहीं है तो अन्यत्र है, यह मानना पड़ेगा। सुकर है। अरे व्याप्ति ग्रह कहां ग्रहण करोगे? स्वशरीर है वो व्याप्ति ग्रह। अपने शरीर को ही देख लो ना, आपका शरीर कैसा है? मरा नहीं है, अविनष्ट है ना, और अव्यापक है। पूरी दुनिया में तो फैला हुआ नहीं आपका शरीर, अव्यापक तो ही है। तो आपका शरीर अविनष्ट है और अव्यापक है। अव्यापक साफ सीधा हो जाए, थोड़ा भी व्यापक होने लग जाए तो परेशान हो जाते हो, थोड़ा फैलने लग जाए, चाहे मोटे होने लग जाए, आप क्या हो जाओ? परेशान नहीं हो जाओगे? मोटा होने और कई परेशानी, कुछ अच्छाई भी है कुछ बुराई भी है, लेकिन परेशानी ज्यादा ही है। उठने बैठने चलने सब में परेशानी। अच्छा ये है कि एक जगह बैठ गया तो बैठ गया, कोई हिला भी नहीं सकता, आसानी से हटा नहीं सकता कोई। उसको हिलने बोलो तो बड़ा परेशानी होती है, उसको थोड़ा आगे हो जाओ पीछे हो जाओ वो कहेगा कहाँ से आगे हुई है, अरे आप ही आगे बैठ जाओ बोलेगा, हमको क्यों आगे कर रहे हो, आप आगे आ जाओ, क्यों हिल नहीं सकता ना वो ज्यादा। ऐसे लोग किसी गद्दी होती है बैठाने बड़ा अच्छा लगे, मोटा तगड़ा बैठा है, बैठा है तो बैठा ही, उसको उठना ही नहीं है, उठने जो उठने चले परेशानी होती है। जितने मंडलेश्वर होते हैं मोटे मोटे इसलिए होते कि नहीं होते, मोटे दर्शनीय होते, मोटे ताजे। तो कहते कि देखो अपने शरीर को देख लीजिए कैसा है आपका, अव्यापक शरीर है और अविनष्ट शरीर है। तो यहां है आप, तो आप अन्यत्र नहीं, और यहां नहीं है आप, तो आप निश्चित रूप अन्यत्र होंगे। ये आप ही के शरीर में अपनी व्याप्ति ग्रहण हो रहा है, फिर इसके लिए अलग अर्थापत्ति प्रमाण बनाने की जरूरत क्या? इसी प्रकार से आप स्वयं अपने अनुभव करके देख लो, 15 दिन भोजन छोड़ दो तो क्या होएगा? सर में चक्कर आ जाएगा, कमजोर हो जाएगा, नहीं दुबला पतला भी होने लग जाएगा, वजन घटेगी, कई बातें हो जाती। और दिन में ना खाते हुए रातों में नहीं खाए तो ये हालत हुआ, और दिन में ना खा क्यों रात्रि खाने लग जाए, एक टाइम खाने लग जाए तो स्वस्थ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? आप स्वस्थ रहेंगे। तो उससे ही आप अनुमान कर लो कि जब हम यदि रात्रि दिवस देवदत्व इसी प्रकार से भले दिन में नहीं भोजन किया हो लेकिन मोटा ताजा का मतलब जरूर वो रात्रि भोजन करता है। ये बात स्वयं में अनुभव करके भी हम ग्रहण कर सकते हैं व्याप्ति वगैरह, तो इसके लिए अर्थापत्ति प्रमाण मानने की जरूरत क्या? अतएव अर्थापत्ति प्रमाण को मानने की कोई जरूरत नहीं है, ये अनुमान में ही हो सकता है। वो भी सब स्वार्थानुमान में आ जाएगा सब, बल्कि कि स्वशरीर में ही आप व्याप्ति ग्रहण कर रहे हो तो स्वार्थानुमान हो जाएगा, दूसरा समझाने की हमें कोई जरूरत नहीं, खुद में हम जान लेंगे इन चीजों को। इसलिए कहते हैं ये जो व्याप्ति है तो स्वशरीर एवं व्याप्ति ग्रह व्याप्ति ग्रहण हो जाएगा। तथा चतो गृह अभाव दर्शन लिंगेन बहिर्भाव दर्शन अनुमान में, गृह अभाव का दर्शन के रूपी हेतु के द्वारा बहिर्भाव की सिद्धि अनुमान से ही हो जाएगी। तो पूर्व पक्षी कुछ तर्क करता है यहां, नहीं भाई अर्थापत्ति मानना पड़ेगा। क्यों? नच चैत्र से क्वचित सत्व ग्रह अभाव शक्य अपनो तुम, क्योंकि कहीं विद्यमान होने के कारण उसे घर में न होना बाधित हो जाता है। कोई कह सकता घर में नहीं है ये बात बाधित होती है यदि वो अन्यत्र है तो। पूर्व पक्षी बिल्कुल गलत बोल रहा है कि परस्पर विरोधी हो तब ना बाधित होगा। जैसे वन्नी अनुष्ठा कहते हैं कोई तो बाधित हो जाता है, वन्नी अनुष्ठा किसने कर दिया? अग्नि
ठंडा होता है। अनुष्ठ मतलब क्या? ठंडा। तो उसके हाथ में आग दे दो तो उस अनुभव में आ जाएगा, नहीं नहीं वन्नी अग्नि गर्म होता है, तभी हम मानेंगे बाधित होना ना। बाधित होने का मतलब क्या? जिस साध्य को पक्ष में सिद्ध करने जा रहे हो वह साध्य के अभाव अन्य प्रमाण से सिद्ध हो जाए। आवन्नी में अनुष्णत्व सिद्ध कर रहे थे, उसके अभाव क्या? उष्णत्व, वो प्रत्यक्ष से सिद्ध हो गया। अतः उस साध्य को हम पक्ष में बाधित मानते हैं। इसी प्रकार से हमने क्या सिद्ध किया कि यहां पर आपने बहिर्भाव सिद्ध कर दिया और बाधित हो जाए बोल रहा है, बाधित हो जाएगा। कैसे बाधित होगा? ये क्वचित सत्व है, क्वचित माने बहिर्भाव सत्व है, गृह भाव शक्य पूर्ण हो तुम गृह भाव का खंडन हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कहना। ये न असिद्धो ग्रह भाव बहिर्भाव न हेतु स्यात्, जिसके आधार पर असिद्ध ग्रह भाव बहिर्भाव में हेतु नहीं होगा ऐसे आप नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो परस्पर विरुद्ध ही नहीं है। बाहर का होना घर में न होना परस्पर कोई विरोध नहीं होता। घर में न होने का विरोधी कौन है? घर में होना। घर में नहीं है इसका विरोधी ज्ञान क्या होगा? घर में है, यही विरोधी ज्ञान होता है। घर में नहीं है इस ज्ञान का विरोधी बाजार में है, ये जो ज्ञान है घर में नहीं है इस ज्ञान का विरोधी नहीं है। समझ में आ रही ना? घर में नहीं है इस ज्ञान का विरोधी ज्ञान कौन हो सकता है? घर में है, यही विरोधी होता है। बाजार में है, अन्यत्र है, कहीं ना कहीं है, ये जो ज्ञान होते हैं ये घर में नहीं इस ज्ञान के विरोधी ज्ञान नहीं है। ये नियम क्या है? तदवत्ता प्रतीति प्रति तद अभावत्ता प्रतीति प्रतिबंधक, तद अन्यत्र सत्ता प्रतीति प्रतिबंधक नहीं है। न च गृह अभाव सत्व गुण्यते, और गृह अभाव के द्वारा सत्व सामान्य का निषेध भी नहीं कर सकते। घर में नहीं है तो मर गया, ऐसे थोड़ी अर्थ लोगे। आप देवदत्त के घर गए, देवदत्त घर के दरवाजे खटखटाए है ना, अब उसकी पत्नी आई दरवाजा खोली और पत्नी का सिंदूर भी है, मांगल्य सूत्र भी है, नथी भी है, कान की कुंडल भी है, सब जो सद्भाव का चिन्ह है, और उसे पूछा गया देवदत्त जी हैं? वो कहती है नहीं है। तो क्या आप समझोगे वो मर गया? हाँ, यदि दरवाजा खोलने के लिए आई हुई उसकी पत्नी के मांगल्य सूत्र आदि कोई भी मंगल चिन्ह नहीं, विधवा के चिन्ह है, बल्कि है सब निकाल दी हुई है, और अब जैसे पूछेंगे रोने लगती है, तब आपको समझना पड़ेगा ओ ये विधवा हो गई, इसका मतलब देवदत्त मर गया, घर में नहीं है, इतना ही नहीं बल्कि वो मर ही गया है, तभी तो अर्थ लोग है। इसे निर्भर है यहां पर, आप जब घर पर गए और घर में नहीं है यह जाना कैसे? बोलने वाले को देखा वह सदवा है, या कोई बच्चा कह रहा है घर में नहीं है पापा जी, इसका मतलब क्या है? बाहर है, लेकिन मरा है या है नहीं इसका आप कभी कथन नहीं कर सकते, सामान्य का निषेध नहीं कर सकते। वो जिंदा है तो अन्यत्र कहीं ना कहीं जरूर है, ग्रह अभाव मात्र से उसके सत्व सामान्य को ही आप निषेध नहीं कर सकते। ये न सत्वमेव अनुपपद्यमानम आत्मानम न बहिर अवस्थापयत, जिसके अंदर आप जो है नहीं उसके बाहर सत्ता आप कैसे सिद्ध करोगे, ऐसी आशंका आप नहीं कर सकते। तथा ही विकल्प से पूछो, इसलिए उसे चैत्र से ग्रह सत्वेना, चैत्र घर में नहीं है, इसको सुन करके आप क्या निकाल? सत्व मात्र अविरुद्ध देते हैं ग्रह सत्व, उसकी सत्ता सामान्य का निषेध हो रहा है या घर में होने का निषेध हो रहा है? घर में नहीं है इस वाक्य का क्या अर्थ? घर में नहीं है का मतलब मर गया है, ऐसा अर्थ लेना चाहिए, अथवा घर में नहीं है इसका अर्थ है घर में है इसका विरोधी ज्ञान होगा? घर में है इसका विरोधी ज्ञान घर में नहीं है, अतः बिल्कुल ही नहीं मर गया ऐसा अर्थ है घर में नहीं है इस वाक्य का,
घर में नहीं है, इस वाक्य का क्या अर्थ लोगे? दो ही अर्थ हो सकता है। घर में नहीं है का मतलब एक अर्थ हो सकता है, वो मर गया है, उसका सत्ता ही खत्म। दूसरा है घर में है, इसका वो विरोधी ज्ञान होगा। घर में नहीं का मतलब क्या? घर में है इसका विरोधी ज्ञान। तो घर में नहीं इस वाक्य चिन्ह ज्ञान, घर में नहीं घर में है इसका विरोधी ज्ञान होगा, अथवा सत्य सामान्य का विरोधी ज्ञान होगा। ये विकल्प उठाया। न तावत यत्र क्वचर सत्वस्य अस्ति विरोधो गृह असत्वेन भिन्न विषयत्वात्, ताला नहीं हो सकता, सत्व का आत्यंतिक विरोध नहीं है, वो घर में नहीं है अर्थात अन्यत्र है, अन्यत्र जो अस्तित्व है, अन्यत्र उसकी जो सत्ता है, उसका गृह में असत्ता के साथ कोई विरोध नहीं है। क्यों? दोनों का विषय अलग अलग है। कि सत्ता सामान्य व्यापक है, और जिस सत्ता को निषेध कर रहे हो वो गृह मात्र में निषेध कर रहे हो। गृह मात्र में निषेध की हुई सत्ता सर्वत्र निषेध नहीं कर सकते है। यत किंचित देशावच्छिन्न, किसी सत्ता को निषेध करने मात्र से उस वस्तु का सर्वत्र निषेध, उस वस्तु की सत्ता का सर्वत्र निषेध नहीं माना जा सकता। इसलिए कहते हैं विरोध ही नहीं है, विरोध ही नहीं रह गया। ग्रह असत्व का अन्यत्र सत्व के साथ कोई विरोध ही नहीं है। देश सामान्य न ग्रह विशेष आक्षेपोपि पाक्ष, कोई कह सकता है देश सामान्य के द्वारा गृह विशेष का आक्षेप कर लेंगे? कहते वो भी नहीं हो सकता, वो भी पाक्षिक ही होगा। समान विषय कतया विरोध इति चेत, वो भी पाक्षिक ही, समान विषय होने पर विरोध हो सकता है, असमान विषय वस्तुओं में कोई विरोध नहीं होगा। प्रमाण विनिश्चितस्य गृह असत्वस्य पाक्षिकतया सांशयिकेन गृह सत्वेन प्रतिक्षेप अयोगा, तब कहते हैं प्रमाण से निश्चय हो गया क्या घर में नहीं है, इस बात को लेकर पाक्षिक संशय मात्र हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इस संशयात्मक ज्ञान निश्चयात्मक ज्ञान का विरोधी नहीं हो सकता है। कभी भी कोई भी संशयात्मक ज्ञान हो वह निश्चयात्मक ज्ञान को बाधित नहीं कर सकता। ना भी प्रमाण निश्चितो ग्रह अभाव पाक्षिकम अस्य ग्रह सत्वम प्रतिक्षेपन सत्व भी प्रतिक्षेपतुम युक्तम सांशकत्वमेव व्यपनोतुम अर्हति इति न युक्तम, जुड़ गया नापी के साथ।